अरे मैं कह रहा हूँ सींग दे दे वरना दोनों को यही मार दूंगा मैं। मैं कैसे मदद करूं राहुल की, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ करना होगा अन्यथा दोनों में से मुझे कोई ना कोई अवश्य मार देगा। वो सींग कोई आम सींग नहीं है। सालों पहले उसे मंदिर के देवता बाघ से ढूंढ के लाए थे ताकि इसके कारण धरती पे इंसानियत की रक्षा की जा सके। वो सांड अपने शैतानी रूप में वनस्पति जीवों इन सबको मार के खाते थे और अब तो वो इंसानों को भी नुकसान पहुंचाने लगे थे। अगर इस सींग में सचमुच कोई शक्ति है तो मैं इसे कबीर को नहीं दे सकता। ये इसका सिर्फ गलत इस्तेमाल करेगा। ये सींग इसके हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। पर फिर मैं शिल्पा माँ को लेकर यहाँ से जाऊंगा कैसे? मैंने कुछ नहीं होने दे सकता। क्या सोच रहा है तू? तुझे मरना है तो सींग दे मुझे, मैं बताओ तुम दोनों को खत्म कर दूंगा मैं यहाँ पे। राहुल सींग दे। नहीं राहुल, अगर ये सींग उसके हवाले देने से मानवी और तुम्हारी जान को खतरा है तो मत दो इसे उसे। मैं अपने बच्चों की जान की कीमत पर अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहती। तू बकवास बंद कर, समझी? सींग दे। यहां नेटवर्क नहीं मिल रहा था इसलिए मैं पुलिस को नहीं बुला पाया, लेकिन इस सींग को इस संदूक में ही सुरक्षित रखा जा सकता है। रुको, मैं आग धुलाती हूं। काटा मेडिस को क्या हुआ? क्या हुआ गाड़ी को? स्टार्ट नहीं हो रही आंटी, पता नहीं क्या हुआ। वो आ जाएगा। अग्नि, हेलो, आग दो, आग दो बेटा, आग दो। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खाना बनाना आता है तुम्हें? मालकिन आप तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी। और क्या क्या काम आता है? नाच लेते हैं। What do you mean? बिल्कुल ऐसे ही हमको चोट लगी। जब तुम्हारे बेटे ने हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और तुम्हारी बेटी ने उसकी मदद की। मैं तो सारी जिंदगी भगवान को मानती रही, लेकिन फिर भी इस घर ने कितना कुछ झेला। अब भले ही तुम लोग इसे अंधविश्वास मानो, लेकिन मैं नहीं चाहती अब इस घर में कोई भी बुरी शक्ति रहे। सर! ए, रुक! ए, रुक! ए, रुक! अरे मार, मेरे तो सामने से मार! इस तरह छुप के वार करने में कोई बर्दाश्त नहीं है।